हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत बढ़िया होंगे। ये देखिए, जो लोग चाप खाते हैं उनको पता होगा ये चाप है, ये सोयाबीन की चाप होती है। और ये देखिए कच्ची ऐसी दिखती है, ये देखिए है ना। इसको अब हम फ्राई करके फिर हम सोयाबीन की चाप बना रहे हैं। ये चाप की रेसिपी आप देख के उस तरह बनाएंगे ना तो आप एकदम नॉन वेज खाना भूल जाएंगे। और ये हेल्दी भी बहुत होती है, क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रीला की बनी होती है। इसको हम बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में हमने तेल डाल लिया है। आप तेल, घी जो भी इस्तेमाल करते हैं वो आप डाल सकते हैं। अब ये चाप को हम लेके एक एक इसमें डालते हैं, पूरा अच्छे से हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने सभी चाप डाल दी हैं और इसको अब हम धीरे धीरे पलटेंगे। 2 मिनट हो जाए तभी आप पलटिएगा, वरना ये नीचे चिपक जाएगी कढ़ाई में। और फुल आंच रखिएगा ताकि ये अच्छे से पक जाए। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें तड़का लगाने के लिए हमने 3 टमाटर ले लिए हैं, थोड़ी हरी मिर्च ले ली है। हरी मिर्च आप अपने तीखे के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हरा धनिया है और ये अदरक का टुकड़ा है, ये लहसुन है और ये बहुत बड़ा प्याज है, इसलिए हमने एक लिया है। अगर छोटे हो या मीडियम साइज़ के हो तो आप 2 या 3 ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर हम चाप को धीरे धीरे पलटते हुए चारों तरफ से अच्छे से पका लेते हैं, ये देखिए, ताकि ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। और धीरे, ये देखिए इधर से पक रही है, अब इसको हम ऐसे पलट देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की हो गई है, इसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो गया है और ब्राउन कलर में आ गई हल्की हल्की, है ना। इसको अब हम निकाल लेते हैं। जो हमने ये मसाला लिया है, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, इन सबको हम एक साथ ही पीस लेते हैं। और थोड़ा सा लहसुन, करीबन ये 2 कली, ये हम बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा 2 कली लहसुन की हमने ऐसे काट लिए बारीक बारीक। और इधर हमने ये टमाटर पीस लिए हैं, ये अदरक और लहसुन थोड़ा सा मिक्स करके अलग से पीसा है, ये प्याज और हरी मिर्च ये ऐसे हमने पीस लिया। अब आइए चलते हैं हम तड़का लगाने सोयाबीन की चाप को। ये देखिए, वो जिसमें हमने चाप फ्राई की थी उसी का तेल हमने कम कर दिया है, क्योंकि उसमें तेल बहुत ज़्यादा था। ये देखिए, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, जो मीठी नीम भी कहते हैं, ये हमने डाल दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, नीम का पत्ता हमारा अच्छे से तड़क गया। अब इसमें हम लहसुन जो हमने काटे थे वो हम डाल देते हैं। और ये देखिए, लहसुन भी हमारा लगभग हो ही गया है। अब इसमें हम अदरक और लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देते हैं। और आंच हमने रखनी है इस समय मीडियम, क्योंकि प्याज लहसुन ये मसाला हमारा जले भी ना और भुन जाए अच्छे से। ये देखिए, ये भुनते ही हम इसमें प्याज और हरी मिर्च, इसका पेस्ट बनाया था वो डाल देते हैं। और इसको हम अच्छे से भून लेते हैं, कम से कम 5 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, सोयाबीन की चाप के बीच में ये जो आइसक्रीम वाली डंडी होती है इसको हम निकाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी ये वाली डंडी होती है, इसके अंदर ये हमने यहाँ से निकाल दी। और इसके अब हम कम से कम एक चाप के 3 टुकड़े कर देते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, और टुकड़े कर देंगे तो वो ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके हमने टुकड़े कर दिए, एक चाप के 3-3 टुकड़े कर दिए, तो इस तरह ये हो गई है ना। इसको अब हम साइड में रख देते हैं। और ये देखिए, हमारा मसाला भून रहा है। अब इसमें हम डालते हैं मसाले, जो सब्जियों की जान होती है ना, वो डालते हैं अब हम इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी में जान लाने के लिए सबसे पहले हम डाल देंगे लाल मिर्च, फिर डाल देंगे नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग,
और अब हम डाल देंगे भुना हुआ जीरा, अब हम डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, अब हम डाल देंगे हल्दी, हल्दी भी हम थोड़ी सी ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं और मिक्स कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, प्याज ने देखिए तेल भी छोड़ दिया अच्छे से, ये देखिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 रुपए का खेल है, 5 रुपए का हम ये मीट मसाला, चिकन मसाला आता है मार्केट में, आराम से मिल जाता है, वो आप लेके इसमें इसी समय डालिएगा ताकि वो मसाला भी अच्छे से भून जाए और जो जिसके अकॉर्डिंग टेस्ट हमारी सब्ज़ी का जो है एकदम चिकन की तरह हो जाएगा। जो लोग चिकन नहीं खाते हैं वो ये खा ले, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए मिक्स कर दीजिए इसको, मसाले को अच्छे से इसमें। अब देखिए मसाला हमारा पूरा अच्छे से भुन गया है, अब हम डाल देंगे टमाटर जो हमने पीसे थे, इसको भी हम डाल के अच्छे से भून लेते हैं। और एक बात आप याद रखिए, जितना ज़्यादा हम मसाला भूनेंगे उतना ही बढ़िया हमारी सब्ज़ी का टेस्ट आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर प्याज सब हमने डाल दिया, वो मसाला भी हमने सारे ही डाल दिए हैं, अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मसाला भून के रेडी हो गया, ये कलर देखिए इसका कितना बढ़िया आया है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने चाप को फ्राई करके उसके पीसेस काटे थे वो हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब हमने गैस कर दी है सिम और इसको अब हम अच्छे से इसमें भून लेते हैं। ये देखिए इसको हम भूनेंगे ऐसे हिला हिला के ताकि इसमें चारों तरफ मसाला अच्छे से चला जाए चाप के अंदर भी। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मसाला मिक्स हो गया है, ये देखिए। और खुशबू फ्रेंड्स इतनी बढ़िया आ रही है कि आप मान नहीं सकते, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। और आप अगर सूखी रखना चाहें तो ऐसे भी आप खा सकते हैं, नहीं तो हमारी चाप अच्छे से भुन गई है। और इसमें अब हम पानी डाल देते हैं, उतना ही पानी हमें डालना है जितनी हमें ग्रेवी रखनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ये देखिए एकदम रोटी के साथ अगर आप खा रहे हैं तो इतनी ग्रेवी भी बहुत है, अगर आपको ये चावल के साथ खानी है तो आप चाहें तो थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं ग्रेवी। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी को भी अच्छे से बॉयल आ गया है, कच्चापन पानी का भी दूर हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं हरा हो धनिया जो हमने भरी काट के धो के रखा हुआ है। और अब ये देखिए सब्जी हमारी बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको हमारी इस तरह बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।